वहीं दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उद्योग मंत्री के नेतृत्व में लालसोट में धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने दिन पर दिन बढ़ रही महंगाई को लेकर के केंद्र सरकार को कोसा है। साथ ही उद्योग मंत्री ने कहा, लगातार डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दाम से आमजन की कमर टूट रही है। और वहीं उद्योग मंत्री बढ़ती पेट्रोल और डीजलों की कीमतों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक निजी पेट्रोल पंप पर धरना प्रदर्शन किया। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरे हिंदुस्तान में आज कांग्रेस के कार्यकर्ता, 7 वर्ष में मोदी जी ने जो देश का बंटाधार किया है, जो महंगाई जिससे कदर उन्होंने बढ़ाई है, पेट्रोल है, डीजल है, गैस के दाम है और दूसरी तरह की महंगाई, आज विशेषकर पेट्रोल डीजल और गैस के दाम जो 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार 400 रुपये का सिलेंडर छोड़ के गई थी, आज उसके भाव 900 हो गए। डीजल का भाव 60 रुपये था, आज उसके 100 के करीब हो गए। पेट्रोल का भाव 70 था, आज 100 से ऊपर हो गया। देश की जनता इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बड़ी महंगाई, डीजल, पेट्रोल, गैस, आम आदमी की चीज़ें जो है रोज़मर्रा की, सीधी मोदी सी रोज़ लोगों की जेब काट रहे हैं। लोग रोज महंगाई बढ़ रही है, रोज पैसे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा बंगाल के चुनाव के टाइम 2 महीने तक एक भी पैसा नहीं बढ़ा, और जो ही बंगाल का चुनाव संपन्न हुआ रोज पैसे बढ़ गए, रोज महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल तो 100 से पार पहुंच गया, डीजल भी 10-15 दिन में 100 के पार पहुंच जाएगा। इस कदर किसान क्या खेती कर पाएगा, मजदूर क्या कर पाएगा, आम आदमी क्या अपनी मोटरसाइकिल चला पाएगा, क्या गाड़ी चला पाएगा, क्या करेगा इस देश में? जिस मोदी जी ने ये कहा था अच्छे दिन आएंगे, एक बार में देश का प्रधानमंत्री बन गया, लोगों के अच्छे दिन आ जाएंगे, अच्छे दिन आए हैं। पेट्रोल डीजल गैस की मार से आज जनता बेहाल है। मोदी जी ने ये वायदा किया था कि मैं महंगाई को कम करूंगा, डीजल पेट्रोल के भाव 40 पर ले आऊंगा, जो उनके खुद के भाषण है आम सभाओं में, प्रधानमंत्री के जब उम्मीदवार के रूप में भाषण दिया, आज 40 नहीं 100 के पार पहुँच गए। कि मोदी जी को अपने वायदा, देश में जो महंगाई बढ़ी है, जिस तरह लूट रहे, उन्होंने स्पेशल एक्साइज ड्यूटी जो लगाई है 17 रुपये पर लीटर की लगाई है, उस चीज़ को उन्होंने स्टेट को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, वो सीधे सीधे मोदी जी के खाते में जाएगी। इस तरह जो एक्साइज ड्यूटी 32 रुपये पर लीटर, आप देख लीजिए 32 रुपये पर लीटर एक्साइज ड्यूटी उन्होंने बढ़ा दी, इससे देश में महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल बढ़ेगा, लोगों का किराया बढ़ेगा, खेती की लागत बढ़ेगी, आम आदमी की लागत बढ़ेगी, और धान के भाव, सरसों के भाव देख लीजिए, निश्चित रूप से देश के जो डीजल, गैस, पेट्रोल, ये तीनों की महंगाई से लोगों की कमर तोड़ती है। हमारी मांग है, मोदी जी ने जो अपने भाषण में कहा था कि 40 रुपये डीजल पेट्रोल करेंगे, अरे 60 से आप 100 ले गए, 100 से आप 100 ले जाओगे, 105-6 रुपये पेट्रोल हो गया। देश की जनता ने इस तरह का जेब काटने का जो धंधा किया है, और निश्चित रूप से मोदी जी ने जनता से जो वायदा किया उसकी वायदा खिलाफी की है, और उन्होंने कोविड के समय देश को जब छोड़ दिया, 1 साल से कोविड, गत वर्ष भी कोविड आया, उन्होंने कोई तैयारी नहीं की, ना उनके पास दवाई है, ना कोई ऑक्सीजन है, ना कोई और चीज़ है। इस चीज़ से देश में लाखों लोग, आपने देखा गंगा नदी में बिना दाह संस्कार के लाखों लोगों की लाशें वाराणसी और वहाँ मिली प्रयागराज में। इसलिए देश की जनता के साथ जो वायदा खिलाफी की है, कोविड का इलाज नहीं किया है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं की, दवाइयों की व्यवस्था नहीं की, आज भी ब्लैक फंगस से उन्होंने, वैक्सीन का 1 साल से चल रहा है, वैक्सीन का भी उन्होंने नहीं किया, वैक्सीन 45 वर्ष वालों को फ्री लगाया और 2 महीने इसमें खराब कर दिए कि स्टेट गवर्नमेंट करेगी 18+ वालों को। अब झक मार कर मोदी जी को जनतंत्र के आगे झुकना पड़ा है, 18+ वालों को अब वो वैक्सीन देंगे। हमने तो फैसला कर लिया था चाहे बजट कितना भी कटौती करना पड़े, पर 18+ वालों को स्टेट सरकार फ्री वैक्सीन करेगी। वो वैक्सीन का काम अगर हमारा हो जाता है 1 साल के अंदर अंदर, वैक्सीन की सारी 2-2 डोज लग जाती, इतनी जनहानि नहीं होती जितनी आज मोदी जी के राज में हुई है। मोदी जी ने सारे देश का बंटाधार कर दिया, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो महंगाई हो, डीजल पेट्रोल और गैस हो, मोदी जी ने बिल्कुल विफल हो गई। और विफलता का यह है कि बंगाल और दूसरे स्टेट के चुनाव के बाद मोदी जी ने बिल्कुल मौन धारण कर लिया, देश के लिए, जनता के लिए झक मार के अब कहना पड़ा कि मैं वैक्सीन फ्री लगाऊंगा। ये चीज़ ऐसी है, बहुत पहले इनको कर देना चाहिए था,
बहुत पहले व्यवस्था करनी चाहिए थी। इतनी जनहानि, नौजवान मरे, ज़्यादातर 18 प्लस वालों की डेथ हुई है, इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। वैक्सीन उनको टाइम पर लगानी चाहिए थी, वैक्सीन फ्री लगानी चाहिए, इसके वैक्सीन को काम को तेजी करे, महंगाई को कम करे। अगर महंगाई कम नहीं हुई तो देश में आम आदमी की हालत क्या होगी आप देखिए। देश में गैस के चूल्हे, जो गैस के 40 लाख कनेक्शन कम हो गए, देश में जो गैस के कनेक्शन मिल रहे थे 40 लाख परिवारों ने तो गैस लेना ही बंद कर दिया। हमने 4 साल में, हम दो सरकार छोड़ के गए थे 2014 में, 400 रुपये का सिलेंडर था, 200 रुपये हो गए। ये हम मोदी जी से अपील करते हैं देश की जनता के लिए, देश के आम आदमी के लिए, कि आप महंगाई कम करो, डीजल पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी कम करो, इस पर कमाना बंद करो और कोई सोर्स देखो। आप डीजल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी आपने जो बढ़ाई है उसको, आप स्पेशल ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी दो तरह की जो टैक्स बढ़ाए हैं उसको आप कम करिए। जितना कम करेंगे, हमारी सरकार ने भी 1,000 करोड़ की राहत दी थी 2 महीने पहले, 1,000 करोड़ की वेट कम किया था हमने भी, उन्होंने एक पैसा नहीं किया, रोज बढ़ा रहे हैं। स्पेशल एक्साइज ड्यूटी जो 17 रुपये पर लीटर लगती है, उसमें से एक पैसा भी स्टेट सरकार, राज्य सरकारों को हिस्सा नहीं देते, पूरी की पूरी मोदी जी के खाते में जा रही है। इसलिए स्पेशल एक्साइज ड्यूटी को आप तत्काल वापस दीजिए, देश को राहत दीजिए, अपने वायदे पूरे करिए। अच्छे दिन आने की बात कहने वाले आज बिल्कुल चुप है, कहाँ गए अच्छे दिन वो? कि हम कहते हैं आज हमारा इसी का ले, पूरे देश में प्रदेश में इसी को लेकर प्रदर्शन है, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, मास्क लगाकर, कोविड का पालन करते हुए आज हमने मोदी जी तक अपनी बात पहुँचाई है। निश्चित रूप से देश में महंगाई कम करने के मोदी जी प्रयास करें।